वाला जो तो आज चैनल पे पहली बार फेटल फोर वे फाइट होने वाली है और ये ब्रॉक लेसनर की भी लास्ट फाइट है सीरीज की। तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। तो फेटल वो फोर वे फाइट में रूल्स में आपको बता देता हूँ, वैसे तो पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि नॉकआउट ऑफ है, एलिमिनेशन ऑफ है, कोई एक अगर पिनफॉल करा लेता है दूसरे पे तो वो पूरी फाइट निकाल के ले जाएगा। और इसके अलावा एक्सट्रीम रूल्स मैच है तो सारे वेपन्स वगैरह यूज हो सकते हैं। फटाफट से गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चार दिग्गज जब एक फाइट में होंगे तो कितना ही मजा आने वाला है भाई। ड्रू अपनी क्लेमो किक लगा रहा था, रोमन अपनी स्पीयर लगा रहे थे, एक एक फिनिशर है सभी के पास, तो फाइट थोड़ी सी लंबी होने वाली है और जितनी लंबी फाइट होने वाली है उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और सब एक दूसरे को पिनफॉल बचाने में लगे रहेंगे, इस फाइट का यही मज़ा है कि कोई किसी को जीतने देगा नहीं और जो जीतेगा लास्ट में वही फाइट ले जाएगा। तो जीतने की कंडीशन तभी आएगी जब सामने चारों सुपरस्टार बिल्कुल अधमरे हो जाएंगे, किसी में जान नहीं बचेगी, तब जाके एक फाइट को जीत सकता है। सीना ने पहला फिनिशर रिवर्स नहीं हुआ तो लगेगा, नहीं हुआ, ब्रॉक को लगा एक फिनिशर ब्लडी एटीट्यूड एडजस्टमेंट। रोवन के पास एक फिनिशर बचा, ड्रू के पास एक फिनिशर बचा, ब्रॉक लेसनर वैसे ही किक आउट कर गया। इस फाइट का यही वजह भाई, जीतने नहीं देना दूसरे को, जीतना खुद ही है। ड्रू मैकइंटायर लेने का सबसे बड़ी रीजन ये था, ड्रू इस समय फॉर्म में चल रहा है और करंटली WWE में ड्रू जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए ड्रू मैकइंटायर को लिया मैंने। और खतरू टीम के तीन सुपरस्टार आमने सामने, ब्रॉक, सीना और रोवन। अब क्योंकि ये ब्रॉक की भी आखिरी फाइट है सीरीज की, इसके बाद कुछ और सोचेंगे नया, और हो सकता है WWE के अलावा कोई नया गेम खेलना स्टार्ट करे चैनल पे, क्योंकि मुझे पता आप लोगों को भी चेंजेस पसंद आएंगे, नए नए चीज़ें देखने किसको पसंद नहीं है, ऑब्वियसली आप लोगों को भी पसंद आएगा। WWE बंद नहीं करने वाले हैं, WWE हफ्ते में 3 दिन WWE या 4 दिन, उसके अलावा 3-4 दिन में हम अदर गेम्स के एपिसोड लाया करेंगे। तो उसके लिए एक पोल दिया जाएगा भाई, भाई 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 एक पोल दिया जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन, कम्युनिटी क्रिएशन कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, एक वोटिंग दी जाएगी। तो आप लोग अपना अपना वोट करना कि आप लोगों को नेक्स्ट गेम कौन सा देखना है। वैसे मेरे पास 2 गेम है तो मैं वोटिंग दूंगा, तो आप लोग उसमें देखना, या नहीं भी आए तो आप लोगों के लिए एक ऐसा गेम है जो आप सभी की फरमाइश होगी और आप सभी लोगों को पसंद आएगा। एक्सट्रीम रूल्स मैच है तो नीचे भी लड़ सकते हैं। ओके भाई, ड्रू मैकइंटायर पूरी तरह, अरे सीना ने डंडा फेंक के मारा लेकिन लगा नहीं ब्रॉक को, और ड्रू को पेलने में लगा हुआ रोवन। रोवन की वापसी देखो समर स्लैम में हो पाती नहीं हो पाती, अगर रोवन की वापसी होती है तो समर स्लैम बम्पर हिट जाने वाला भाई, मैं फुल एपिसोड देखने वाला हूँ अगर रोवन आता समर स्लैम में, क्योंकि सोलो की क्या हालत होती है वो मुझे देखनी है। अरे सीना चेयर और रील रह गए, बच गए सीना, बढ़िया, सीना ने चेयर बचा लिया और बेयर हैग लगा नहीं, बेयर हैग लगता रोवन को, लेकिन रोवन को बेयर हैग लगाना सीना के लिए बहुत मुश्किल है। पिनफॉल रोमन गया बचाने, रोमन ऑब्वियसली बचा ही लेगा भाई, फाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मज़ा आ भी रहा है। चार सुपरस्टार, तगड़े सुपरस्टार एक दूसरे से भिड़ रहा है, इससे अच्छी फाइट क्या ही हो सकती है। अब तक फेटल फोर वे फाइट हमने पता नहीं क्यों नहीं की चैनल पे, कभी मेरे दिमाग में आया नहीं कि फेटल फोर वे फाइट करते हैं। आज मैंने सोचा कुछ नया कीजिए, तो नए में फेटल फोर वे फाइट एक ऐसी फाइट है जो अभी तक हमने चैनल पे नहीं की है, और रोमन ब्रॉक को पेल रहा है। मुझे तो लग रहा भाई रोमन ले जाने वाला फाइट, क्योंकि रोमन तगड़ा सुपरस्टार है जो एंड तक रुक सकता है, और कोई भी एक सुपरस्टार दूसरे पे पिनफॉल करा गया, अरे ड्रू मैकइंटायर को डंडे से पिटाई, ड्रू की हालत खराब भाई, रोमन ही है जो डोमिनेट कर रहा है सबको, और डंडा तोड़ दिया, सीना को फर्क ही नहीं पड़ा, डंडा टूटा, अरे स्लेज हैमर भाई भाई, अरे फेंक दिया स्लेज हैमर, क्यों गिलिटी लगा दिया नीचे, नीचे आई थिंक पिनफॉल नहीं हो पाएगा, एक्सक्यूज मैच है फिर भी नीचे पिनफॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैक स्टेज रिंग साइड पे मैंने पिनफॉल दिया नहीं है। ओके रिंग साइड पे क्रॉस रूट्स है रोमन के पास, ये यार वॉट इफ की वीडियो का आसर है, कोई बात नहीं नीचे ही है, ऊपर तो स्पीयर ही लगाएगा रोमन, आई थिंक ये मैंने चेंज किया था, पर चेंज हुआ क्यों नहीं, इसको मैं फिर से रीचेक कर लूँगा। तो आज की फाइट के लिए रखते हैं, कोई बात नहीं, अगर रोमन क्रॉस रोल्स लगा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस रोल भी उतना ही इफेक्टिव है जितनी स्पीयर। अरे ऊपर जाके लड़ लो, सब लोग नीचे ही लड़ने में लगे हो भाई साहब, सब नीचे ही लड़ने में लगे भाई, नीचे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और रोमन
पावर बॉम्ब, अरे सम हुआ ड्रॉप पावर बॉम्ब के साथ नीचे, तो रोहन जबरदस्त मूव लगा रहा है। रोहन ठीक है, सीना के पास फिनिशर एक सीना की रेजरेंस जा चुकी है। ओके, मतलब सारे सुपरस्टार का सबसे पहला टारगेट सीना स्लेज हैमर से पेल दिया भाई ब्रॉक, सबसे पहला टारगेट सीना होगा। अरे क्लिप भाई साहब सुसाइड ड्राइव सीना के ऊपर, भाई साहब सुपरस्टार गजब ढा रहे हैं ये लोग तो। और कुर्सी पड़ती, इससे पहले मुंह पे दुलत्ती पड़ गई। रोमन पूरी तीनों जनों को डोमिनेट कर रहा है रोमन। हाँ फटाफट से रिंग में आ जाओ यार, सीना को भी रिंग में। अरे यार मतलब एक रिंग में आता और दूसरे को भाई मारने पीटने लग जाते ये लोग। ब्रॉक क्या जी, अरे भाई बच गया बच गया बच गया। रोमन क्या कर रहा, इतनी ज्यादा सुसाइड डाइव लगाने की जरूरत क्या है। जर्मन सुप्लेक्स, रोमन के पास दो फिनिशर है एक सिग्नेचर है, रोमन ही जरूर कांट करके जाएगा फाइट में, तुम देखना। जिसको भी एक दो फिनिशर लगा रोमन फटाफट से पिनफॉल करा के निकल जाएगा फाइट में। सीना की रेजिलेंस जा चुकी, तो सबसे पहला टारगेट सीना ही होने वाले हैं क्योंकि सीना पे पिनफॉल जल्दी। सीना गया, सीना नीचे टैप आउट कर पाएगा क्या? नीचे टैप आउट होगा नहीं, टैप आउट हो भी गया तब भी कोई जीतने वाला नहीं है, रिंग में ही आके भाई टैप आउट कराना पड़ेगा। सीना भी रिंग में, चारों सुपरस्टार रिंग में। ब्रॉक नीचे गया सील स्टेप्स उठाने। ओके ओके ओके, ब्रॉक सील स्टेप्स छोड़ दो यार। रोमन स्लेज हैमर से पहलेगा, रोमन स्लेज हैमर। ओके भाई साहब, ड्रू मैकइंटायर पे पिनफॉल, ड्रू ड्रू की रेजिलेंस, रोमन आ गया बचाने। ओके ड्रू की भी रेजिलेंस चली गई, जब तक रोमन आया तब तक ड्रू ने रेजिलेंस यूज कर ली थी। रोमन के पास सुपर फिनिशर आ चुका है। क्लेमोर किक लगी ब्रॉक को भाई, सभी के मुझे लग रहा सबसे पहले सबकी रेजिलेंस जानी चाहिए, उसके बाद फाइट का विनर होना चाहिए जो भी हो। भाई सुपर फिनिशर लग नहीं पाएगा, रह गया। ब्रॉक नीचे लेटे हुए थे, इस चक्कर में सुपर फिनिशर रह गया। सुपर फिनिशर लगता है, ड्रू की रेजिलेंस ऑलरेडी जा चुकी है भाई। ओके रोप वाला मूव है, ब्रॉक पे कराते, ब्रॉक की रेजिलेंस जाती, उससे पहले सीना ने आके बचा लिया। अरे रेफरी को क्यों मार रहा भाई, ड्रू पे पिनफॉल। अरे सीना जल्दी कराओ पिनफॉल, अरे यार सीना मौका चूक गए। सीना अगर पिनफॉल करा ले तो लिटरली मे भी हो सकता था, क्योंकि रोमन और ब्रॉक नीचे ही नीचे दोनों घायल पड़े थे। स्टील स्टैम्प्स पड़ी मुंह पर रोमन के, भाई साहब वेपन्स वगैरह धातु तरीके से यूज हो रहे हैं। ब्रॉक ले जा सकता फाइट, ब्रॉक अगर फिनिशर लगा दिया, ब्रॉक ने पिनफॉल कराया, ब्रॉक ले गया, सीना आ गया बचाने। अरे भाई साहब लास्ट मूवमेंट में आ गया, ब्रॉक ले गया फाइट। मुझे उम्मीद थी ब्रॉक या रोमन में से एक ले जाएगा, और ब्रॉक ही ले गया भाई। ब्रॉक बहुत चलाक बंदा, ब्रॉक ने जैसे ही देखा रोमन और सीना अपने मारने पीटने में व्यस्त है, तभी ब्रॉक ने अपना पिनफॉल करा लिया। तो वीडियो में बताया तो मेरे भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।